दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम के न्यू अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। न्यू अपडेट जो आई है रील्स वाली, उसी के बारे में बताऊंगी। हो सकता है कि आपने अपडेट भी कर लिया होगा इंस्टाग्राम को, लेकिन उसके बाद भी अगर रील्स वाली अपडेट आपको शो नहीं कर रही है तो इसके लिए आपको कौन सी सेटिंग करनी है, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी। सो बने रहिए इस वीडियो पे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल पर क्लिक जरूर करिएगा ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुँच पाए। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों पहले मैं आपका इंस्टाग्राम ओपन करके दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से रील्स शो करती हैं। यहाँ पे अगर आप सर्च वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो इस तरह से जैसे आप कभी टिकटॉक में वीडियोस देखते थे, एज उसी टाइप की वीडियोस यहाँ पे आपको शो करती हैं। यहाँ पे वीडियो चलते रहते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे आप रील्स देख सकते हैं इस तरह की। तो अगर आपके इंस्टाग्राम में इस तरह की रील्स नहीं शो कर रही हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं और यहाँ जाते हैं प्ले स्टोर पे। यहाँ आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम, ओके। आप इसके नीचे देख सकते हैं कि यू आर अ बीटा टेस्टर फॉर दिस ऐप, यानी कि फ्यूचर अपडेट्स विल इंक्लूड बीटा वर्जन्स, यानी मैंने यहाँ पे बीटा टेस्टर ज्वाइन किया हुआ है। फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगी वो बीटा वर्जन में इंक्लूडेड आएंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। अब आपको कैसे करना है ज्वाइन ये मैं बताती हूँ। आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर अ बीटा टेस्टर, क्योंकि मैं बीटा टेस्टर हूँ तो यहाँ पे वो कहता है कि यू विल सी न्यू फीचर्स बिफोर द पब्लिक डज, यानी कि पब्लिक किसी भी इंस्टाग्राम पे पब्लिक होने से पहले कोई भी फीचर मुझे दिखाई देगा, ओके, क्योंकि मैं बीटा वर्जन में ज्वाइन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, या व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, जिसका भी बीटा वर्जन होता है, व्हाट्सएप का भी बीटा वर्जन होता है, इंस्टाग्राम का भी बीटा वर्जन होता है, तो जो भी लोग बीटा वर्जन यूज़ करते हैं सबसे पहली अपडेट बीटा वर्जन में आती है। तो यहाँ पे वो लीव करने को कहता है, अगर मैं लीव करूँ इस तरह से, लीव भी कर सकती हूँ, तो आप देख सकते हैं वो कहता है रिज्वाइन करने के लिए, तो आपको भी इसी तरह ज्वाइन कर लेना है। मैं रिज्वाइन कर लेती हूँ इस तरह से। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ज्वाइन करना है बीटा वर्जन और अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर लें। और इस तरह से आप जब बीटा वर्जन ज्वाइन कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, तो आपका भी उस तरह से जो भी अपडेट होगी वो वहाँ पे दिखेगी, रील्स आपको दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा। सो दोस्तों यही था इसमें छोटी सी जानकारी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।